course. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو بات جو بہت اہم ہے وہ عرض کرنی ہے جو پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک سے پوچھا گیا کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے موت سے क्यों घबराता है तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए वो घबराते हैं जो ताबीन ने जो जवाब दिया कि इसलिए वो घबराते हैं कि इंसान की फितरत है नेचर है और इंसान की नेचर ये है कि वो आबादी को पसंद करता है और वैरानी से घबराता है तो जिन्होंने दुनिया को आबाद किया उनकी आखिरत वीरान है जी तो अब इस दुनिया की आबादी से आखिरत की वीरानी की तरफ जाने से घबराते हैं और जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने आखिरत को वीरान किया आखिरत को आबाद किया और जब आखिरत को आबाद किया तो दुनिया उनको वीरान नजर आती है तो दुनिया से घबराते हैं जी तो इसी तरीके से आज हमारा दिल जो है वो सारा गैरुल्लाह से आबाद है अल्लाह की मोहब्बत से वैरान है अल्लाह की याद से वैरान है अल्लाह के कलाम से वैरान है आप सरसम की मोहब्बत से वैरान है जी और जो मकसूद अल्लाह की रजा है उससे वैरान है आखिरत की तलब से वैरान है तो अब हमारा दिल जो है अल्लाह की याद से घबराता है तिलावत से घबराता है अल्लाह के घर में बैठने से घबराता है जी अल्लाह के घर में बैठने से घबराता है बस इसीलिए कहते हैं दुनिया के अंदर में हमारे उर्फ के अंदर में कहा जाता है कि बगैर ध्यान की कोई चीज नहीं चलती बगैर ध्यान के गाड़ी नहीं चलती बगैर ध्यान के कारोबार नहीं चलता जी बगैर ध्यान के एजुकेशन में हम सक्सेस नहीं होते तो बगैर ध्यान के अल्लाह कैसे मिलेंगे अल्लाह के सामने खड़े मगर अल्लाह का ध्यान नहीं अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हैं मगर अल्लाह का ध्यान नहीं जी अल्लाह के हम्द और सना कर रहे हैं मगर अल्लाह का ध्यान नहीं जी अल्लाह से मांगते हैं मगर वो गैरुल्लाह की तरफ ही हमारी नजर है जी तो एक तो ये है कि हमारे दिल के अंदर में ये जितनी वहशतें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है एक दिन तो खत्म नहीं होगी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है अब वो कैसे खत्म करेंगे तो उसके लिए जो पहली मर्तबा जो बात अर्ज की थी और वो बात ये अर्ज की थी कि जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उसका मफहूम और मतलब जो हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई दिल लगाने के काबिल कोई नहीं सिवाय अल्लाह के दिल लगे तो सिर्फ अल्लाह से लगे और अगर किसी से लगे भी तो अल्लाह के लिए लगे जिनके हुकूक है वालिदैन है बेटे है बीवी है रिश्तेदार है इंसान है मखलूक में जिनके भी हुकूक है अगर उनसे दिल लगाना हो तो अल्लाह के लिए जी हाँ दिल लगाना हो तो अल्लाह के लिए और दूसरा मतलब ये बयान करते थे कि भाई दिल जो है बसाने के दिल में बसाने के काबिल जो है वो सिर्फ अल्लाह जी हमारे दिल के अंदर में अल्लाह कैसे आ जाए अब ये दिल जो है जो मस्कन है अल्लाह ताला का और इसी दिल के बारे के अंदर में ये कहा गया कि ये दिल पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है जब पहले मर्तबा अर्ज किया था इसका खुलासा बयान कर रहा हूं कि पूरा दिल जो है वो क्या है जिस्म को कंट्रोल करता है इसलिए बहुत सारी मर्तबा जी कभी दिल नहीं चाहता खाने का दिल नहीं चाहता जी आज फला जगह जाने का दिल नहीं चाहता दिल की चाहत नहीं है जी तो दिल जो है पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है
अगर दिल के अंदर में सलाह है जी तो जिस्म के अंदर में सलाह आ सकती है, और अगर दिल में फसाद है तो फिर हर यानी सही जगह पे रहते हुए भी फसाद होगी। तो दिल की सलाह, और दिल की सलाह के लिए जैसे अर्ज किया था कि जहां कुछ अच्छी चीजें आ सकती है तो फिर उसका असर भी होना चाहिए कि बुरी चीज निकल जाए जी। अगर अच्छी चीज आए और बुरी चीज ना निकले, मतलब रोशनी आए और अंधेरा दूर ना हो, तो रोशनी तो आ गई मगर अंधेरा दूर नहीं हो रहा है, तो रोशनी का तो कसूर नहीं है, है? यहां पर कि भाई रोशनी तो आई मगर अंधेरा दूर नहीं हुआ जी, तो शुक्र आया नाशुक्री नहीं निकली, तो भाई शुक्र नहीं आया, शुक्र की हकीकत नहीं आई जी। सबर आया और बेसब्री नहीं गई, अखलाक आया और बदअखलाकी नहीं गई, हुस्ने जन आया और बदगुमानी नहीं गई, तकवा आया जी और गुनाह से बचने के लिए बारे में कोई फिक्र नहीं जी, आंखों का गुनाह काबू में नहीं, जबान का गुनाह काबू में नहीं, दिलो दिमाग का गुनाह काबू में नहीं, तन्हाई का गुनाह काबू में नहीं, मजमे में गुनाह कोई काबू में नहीं, और सिर्फ काबू में नहीं, गुनाह होने के बाद गुनाह का एहसास भी नहीं, गुनाह होने के बाद गुनाह का एहसास भी नहीं जी। तवाज़ु आता है, तकब्बुर नहीं जाता जी। तो ये खूबियां आने के बाद ये दूसरी चीज नहीं जाती तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे दिल के अंदर की जो बीमारियां है वो इतनी पुख्ता है, इतनी पुख्ता, इतनी पुख्ता है कि ये खूबियां वहां पर असर नहीं कर रही जी। और जब दिल के अंदर में खूबियां नहीं आती तो फिर डरना भी चाहिए कि भाई रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादी हदैतना, कि ऐसा ना हो कि भाई एक खूबी आई मगर वो खूबी की हकीकत नहीं आई, खूबी की कदर नहीं की, खूबी की तलब थी मगर वो तौफीक को हमने उस मौके पर इस्तेमाल नहीं किया, तो आगे खैर के दरवाजे बंद हो जाए जी। तो इस एतबार से हमें हमारे दिलों के अंदर में जो खूबियां है उनको लाना है, और उन खूबियों को लाने के लिए जो मवाने हैं, जो रुकावटें हैं जी, वो रुकावटें जो मशहूर रुकावटें हैं, उन मशहूर रुकावटों को हम जिक्र तो करते हैं मगर फिक्र नहीं करते। मसलन हसद कितना आम है, हसद बहुत आम है, मगर उस हसद से बचना और उस हसद से लोगों को बचाना, बदनिगाही कितनी आम है, बदनिगाही कितनी आम है, और बदनिगाही के कितने बड़े बड़े नुकसानात हैं जी, बदनिगाही के कितने बड़े नुकसानात। सबसे बड़ा नुकसान बदनिगाही का ये होता है कि पहली चीज अमलों की हलावत खत्म, यानी जो भी हम अमल करें उसके अंदर में कोई हलावत नहीं, तिलावत में, जिक्र में, दुआ में, नमाज में, अल्लाह के रास्ते में, तालीम और तालुम में कोई हलावत नहीं जी। बदनिगाही का असर ही यही होता है कि अमलों की हलावत को खत्म कर देता है जी। तो आज बदनिगाही देखे, बदनिगाही के अंदर बदगुमानी कितनी आम है, बदगुमानी कितनी आम है जी। इसी तरीके से तवाजु के नाम पर तकब्बुर, नेकी के नाम पर गुनाह, बाज आदमी के तवाजु में तकब्बुर और बाज के तकब्बुर में तवाजु होता है जी। हाँ, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने देखा कि भाई हर एक के अंदर में खूबियां देखनी, तो जाहिर में किसी के पास कोई खूबी नजर ना आए तो उसमें क्या खूबी देखने की, उसके अंदर में क्या खूबी देखने की। तो देखा कि भाई एक आदमी है, एक आदमी वो बिल्कुल वहां पानी के किनारे पर है और उसके साथ एक औरत भी बैठी हुई है, और वहां दूसरी तरफ भी एक बोतल भी पड़ी हुई है। अब आंखें क्या कहेगी कि भाई माहौल ऐसा है, गफलत का, याशी का माहौल है, और औरत भी है और कोई शराब की बोतल भी होगी। उनके दिल में ये बात आई कि इस नौजवान में, इस आदमी में क्या खूबी हो सकती है, इसमें क्या खूबी हो सकती है। तो एक कश्ती जा रही थी और उस कश्ती के अंदर में 5-6 आदमी थे, तो वो कश्ती उलट गई, कश्ती उलट गई, तो वो नौजवान जी पानी में गया और हर एक को बचाया, हर एक को निकाला
हर एक को निकाला, वो नौजवान जिसमें कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी जी। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने तो 6 आदमी को पानी से बचाया, आपने कितने को बचाया है? आपने कितने को बचाया? और फिर कहा ये है मेरी वालिदा और ये है पानी, बदगुमानी मत करो, बदगुमानी मत करो, बदगुमानी मत करो। उस वक्त से उन्होंने कहा कि मैंने ठान ली कि मैं किसी जानवर से भी बदगुमानी नहीं करता, इसलिए कि मुझे अपना हशर मालूम नहीं। कोई भी अगर मुझे पूछे कि भाई तुम अच्छे हो या कुत्ता अच्छा है, तो मैं यही कहता कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर हुआ तो मैं अच्छा हूं, और अगर ये नहीं हुआ तो ये कुत्ता अच्छा है, ये कुत्ता अच्छा है। तो पिछली मरतबा के सारा खुलासा यही था जी कि जितनी खूबियां लानी हैं वो खूबियां कैसे आए, और जितनी कमियां दूर करनी हैं वो कैसे जी। उसके लिए पहली शर्त तौबा है, तौबा। अल्लाह गफूर रहीम है। एक मकोला है, बहुत प्यारा मकोला है, कि इंसान और रहमान में क्या फर्क, इंसान और रहमान में क्या फर्क। तो कि इंसान तो वह है कि अगर आपने 99 कोई खूबी के काम किए हैं और एक काम ऐसा कर दिया तो वो क्या है कि 99 पे पानी फेर देता है, एक ही काम के ऊपर वो सारे एहसानात भूल जाता है, सारी मोहब्बत खत्म कर देता है जी, बल्कि दुश्मनी पे आ जाता है, बदला लेने पे आ जाता है, एक ही काम पर सारे पे पानी फेर देता है। और रहमान कौन है कि 99 गुना करे और एक मरतबा सच्चे दिल से तौबा करे तो 99 गुना को माफ कर देते हैं, 99 गुना को माफ कर देते हैं। तो तौबा जी, तौबा बहुत जरूरी है, और तौबा के अंदर में सबसे बड़ी बात तौबा हुकूकुल्लाह में हो या हुकूकुल इबाद में जी, उसके अंदर में इजहार और इकरार। अगर तौबा का असर करना हो जी, रस्मी तौबा नहीं करनी है, जैसे हमारे कहते हैं ना बड़े कि आज हमारी तौबा ऐसी है कि उसके ऊपर भी तौबा करनी पड़ती है, या हमारे इस्तिगफार में भी इस्तिगफार जी, तौबा तौबा और निगाह तो वहीं पे जमी हुई है तो जी, तौबा तौबा तस्बीह की अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और गिबत भी चल रही है जी, तो तौबा पे भी तौबा करनी पड़ती है जी, तौबा पे भी तौबा करनी पड़ती है। तो वो तौबा हो के हुकूकुल्लाह के अंदर में भी जी, कि सबसे पहले हम अल्लाह के सामने इकरार करें, इकरार कि अल्लाह मेरी फराइज में कमी है, फला अहकामात में कमी है, फराइज में कमी है, अल्लाह के सामने इतना इकरार करें, और इकरार करते इतना शर्मिंदा हो, इतना शर्मिंदा हो कि अल्लाह के हजारों रात दिन नियामत के बाद में अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ जी, वहां मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, और वो नदामत जो है वो हमें उस रास्ते पर ले जाए कि आइंदा उन कमजोरी से बचा है, हमें शर्मिंदगी कि अल्लाह कि अभी तो अल्लाह के पास हाथ फैलाया, अल्लाह से माफी मांगी और दोबारा सुस्ती करने लग गया, हुकूकुल्लाह में दोबारा सुस्ती करने लग गया, दोबारा अल्लाह को धोखा देने लग गया जी। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद में भी, हुकूकुल इबाद में भी बहुत जरूरी है कि इजहार और इकरार, यहां पर नफ्स नहीं मानता, वहां पर हम तावील कर लेंगे, वहां पर हम तावील कर लेते हैं। इजहार और इकरार का क्या मतलब कि अगर किसी के मुतालिक की बात है तो हम साफ अल्फाज में जाकर के भाई साहब फना मजलिस में हमने आपके इस अल्फाज से गिलबत की थी, ये मफहूम है जी, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। अब नफ्स तो नहीं मानता कि मैं क्यों जाऊं जी, बहुत बहुत तौफ की तरह भाई भूल चुक माफ जी, चेहरा भी देखना नहीं चाहते कि हाँ भाई कहीं सफर में जाए तो भाई हज में जाए माफी मांग लो ना, एक मांगनी पड़ेगी, चल भाई भूल चुक माफ, चेहरा भी देखना नहीं चाहते। तो ये कौन सी माफी हुई, कौन सी तौबा हुई, कौन से हुकूकुल इबाद के अंदर में तलाफी हुई जी। इसलिए तौबा के अंदर में जी हम ऐसी तौबा करें कि हमारी तौबा जो है दिल के अंदर में नूर पैदा करे, और नूर पैदा करने का मतलब कि आइंदा उन कमजोरियों से बचाए, और वो कमजोरी हो जाए तो फौरन बेचैन हो जाए कि नहीं अगर ये कमजोरी जी, अगर अभी मैंने उसकी तलाफी तौबा से नहीं की या जिसका हक है उससे नहीं की और इस कमजोरी के साथ गया जी, तो अल्लाह कितने नाराज होंगे, और ये कमजोरी के असर आइंदा कितने खैर के काम की रुकावट के बन सकता है, कितने खैर के काम की रुकावट के बन सकता है। तो
तो दूसरी चीज है तौबा जी। और तौबा के लिए ऐसे नहीं है कि जनाब कोई आदमी समझे कि भाई तौबा तो वो करे जो गुनाह करे है? मैंने क्या गुनाह किया भाई, मुझे क्यों कहते हो तौबा है? मुझे क्यों कहते हो जी? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 70 या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, और उलमा फरमाते हैं 70 और 100 जो है यहां आदत मकसूद नहीं है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे है? तो अंबिया और सहाबा और अल्लाह वाले तो कामिल ताअत के बाद भी इस्तिग़फ़ार करे, और हम तो मासियत के बाद भी इस्तिग़फ़ार न करें, हम तो मासियत के बाद भी इस्तिग़फ़ार न करें जी। तो तौबा जी, इस्तिग़फ़ार, नदामत। अब आज की कुछ बातें शुरू करनी है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए जी। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर दे कि भाई आप हजरात माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अब तशरीफ लाने के अंदर में सबसे बड़ी चीज जो है एक तो नीयत कि भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं जी, हमारी नीयत क्या है जी। और नीयत के अंदर में भी जहां नीयत के ऊपर शैतान हमला करता है वो तीन चीजें हैं। नीयत के ऊपर जहां शैतान हमला करता है वो तीन चीजें हैं जी। पहली चीज, कोई अमल कराता है किसी को दिखलाने के लिए, ये भी गैरुल्लाह हो गया। और कभी जो है किसी अमल को छुराता है किसी और के लिए। आदमी अमल का पाबंद है मगर ये फलां देखेगा तो देखिए, फला की वजह से किसी अमल को बढ़ाना भी नहीं है और फला की वजह से किसी अमल को छोड़ना भी नहीं है, वो नीयत पर हमला करता है। और तीसरा हमला क्या होता है जी? तीसरा हमला ये होता है कि वो किसी खैर के काम के अंदर में वो ये चाहता है कि कोई जो है वास्ते से कोई ऐसी बात करे कि जिसके अंदर में मेरा जिक्र खैर हो जाए कि मैंने ये कमाल किया जी, इनडायरेक्ट। हाँ कि भाई फना जगह पर फना ऐसे हुआ जी, तो वो चाहता है कि लोग उसका तस्किरा करें, उसका तस्किरा करें जी। तो पहले हमारी तो हमेशा एक ही नीयत हो जी, चाहे हम अल्लाह के रास्ते में जाए, चाहे हम किसी उलमा की खिदमत में जाए, चाहे हम कोई भी काम करें, हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद जी, उसके अंदर में एक ही नीयत हो कि इस नीयत के जरिए से मुझे अल्लाह की रजा कैसे मिले। बस एक ही चीज के हम तालिब हो कि अल्लाह की रजा कैसे मिले जी। तो अल्लाह की रजा की नीयत से अगर हम आते रहेंगे और जितने भी हुकूक अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मकसूद आसान होगा। दूसरी चीज जी कि अगर हम तालिब बनकर आते हैं, तालिब जी, तलब लेकर, तो छोटी चीज भी बहुत मुफीद होगी, और अगर तलब नहीं होगी तो बड़ी चीज भी मुफीद नहीं होगी जी। अब तलब किसे कहेंगे जी? तलब किसे कहेंगे? तो तलब की एक तारीफ जी के बाज़ उलमा ने फरमाई है कि ऐसी है कि जैसे जिस्म की तलब होती है, तो जब जिस्म तालिब होता है तो वो खाना चाहता है, वो पीना चाहता है, वो राहत चाहता है और जिस्मानी असबाब चाहता है जी, उसका तालिब हो जाता है। इसी तरीके से हमारी रूह तालिब हो जाए जी, कि अब हमारी ऐसी रूह तालिब हो जाए कि ना भाई मुझे तो खैर का माहौल चाहिए जी, मुझे तो अल्लाह का खौफ चाहिए, मुझे तो अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, मुझे तो सुन्नतों के अंदर में इस्तिकामत चाहिए जी, मुझे तो गुनाहों पर तौबा करने के लिए राह चाहिए। हमारी रूह ऐसी तालिब हो जाए कि हर वक्त उसकी तलब बढ़ती रहे जी। उसके ऊपर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जी कि भाई जब दावत के काम में कहते हैं तकाजा पूरा करो, तो कि तकाजा किसे कहते हैं जी? तो कि तकाजा उसे कहते हैं कि जब तक पूरा ना हो आदमी बेचैन हो जाता है जी। खाने का तकाजा हो और खाना ना मिले तो, पीने का तकाजा हो और पीना ना मिले तो, नींद का तकाजा हो और नींद ना मिले तो जी, जिस चीज का तकाजा है और वो न मिले तो वो बेचैन हो जाता है। इसी तरीके से हमारी रूह उसकी तालिब हो जाए कि जहां तक रूहानी सिफात न मिले तो हमारी रूह बेचैन हो जाए जी। हाँ, कि अगर तिलावत नहीं हुई तो बेचैन, आज के मामूलात पूरे नहीं हुए तो बेचैन जी, आज जो है हमें जितने अहकाम पूरे करने थे अगर उसमें कमी रही तो बेचैन, अगर हुकूक इबाद में कोई कमी रहेगी तो बेचैन,
यानी हमें बेचैनी की तरफ ले जाए, और जब तक पूरे ना हो वहां तक जी, तो हम तालिब बनकर आए। तालिब बनकर आते रहेंगे तो हम बनते चले जाएंगे जी, छोटी छोटी चीज भी हमें बहुत आगे बढ़ा देगी जी, छोटी छोटी। और तीसरी चीज क्या है कि आने के बाद जी जो चीजें हमें करनी है, और हर आदमी को हर चीज वो नहीं बतलाई जाती कि आम तौर पर सब एक एक जी, इस्तेदार के मुताबिक बतलाई जाती है, ताकि एक इस्तेदार पैदा हो कि भाई कुछ अमल करे मगर इस्तिकामत के साथ जी। वरना बास मर्तबा अमलों के अंदर में जी इस्तेदार के बगैर हम अमल करते हैं, नफा कम होता है नुकसान ज्यादा होता है जी। उसकी मिसाल ऐसे दे, भाई एक आदमी उसको कहा भाई ये दवाई आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आप डॉक्टर ने कहा भाई दो लेना जी, तो नहीं नहीं जी मैं तो चार ले लू, छह ले लू, आठ ले लू, जल्दी शिफा मिल जाए है, तो रोजाना दो के बजाय दस लेने लग जाए तो है, तो क्या वो बेचारा कि नहीं जी मुझे अभी बहुत फायदा है जी, तो मैं ये करूं ये करूं वो करूं, तो वो तो दूसरे दिन खुश होकर पागल हो जाएगा है। हाँ, क्योंकि कभी उसने अपने रूह को खैर के कामों से मानूस नहीं किया, और एक दिन इतना खा ले कि सारा डायरिया ही हो जाए, बेहजमी ही हो जाए जी, तो वो क्या होगा जी, क्या होगा। तो इस एतबार से जो मामूलात है, तो पिछली मर्तबा से लेकर अभी तक मामूलात जी, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो है मामूलात में क्या है, जो अहकामात फराइज और वाजिबात है उसके अंदर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी छूटना नहीं चाहिए। फराइज फराइज अपनी जगह पर है जी, ऐसा ना हो कि भाई नफिल हम करते जाए फर्ज छोड़ते चले जाए जी, नहीं। जो फराइज है जी, वो फराइज को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, और फराइज की शक्ल भी सही हो जी, फराइज की शक्ल भी सही हो। अगर नमाज है तो नमाज की शक्ल भी सही हो, और उसके बाद उसकी रूह भी हो जी। इसी तरीके से अगर रोजा है, ज़कात है, हज है, जो भी फराइज है हुकूकुल्लाह के अंदर में, तो वो जो जो फराइज जिस मौके पर है, और ये फराइज जो है वो सिर्फ इबादात में नहीं है जी। आज मुसलमानों ने अपना इस्लाम जो है वो इबादत तक महदूद रखा है, और समझे यही दीन है। फराइज जो है मामलात में भी है, फराइज मामलात में भी है। जैसे कल ही यानी एक मिसाल दे रहा था कि सहाबा के जमाने में जी एक बात बहुत आम थी जी, वो क्या आम थी कि जैसे वो मस्जिद में थे वो उससे बाहर थे। क्या मतलब, मस्जिद में गिबत नहीं करते थे तो बाहर भी गिबत नहीं करते थे, मस्जिद में झूठ नहीं बोलते तो बाहर भी झूठ नहीं बोलते थे, मस्जिद में धोखा नहीं देते थे बाहर भी धोखा नहीं देते थे, मस्जिद में लड़ते नहीं थे तो बाहर भी लड़ते नहीं थे, मस्जिद में बदगुमानी नहीं करते बाहर बदगुमानी नहीं करते थे, मस्जिद में खयानत नहीं करते थे तो बाहर खयानत नहीं करते थे, मस्जिद के अंदर में किसी के गिराने की फिक्र नहीं कि भाई इसको गिरा कर मैं ऊंचा हूं, तो बाहर भी ऐसे नहीं। तो जैसे वो मस्जिद में थे वैसे वो बाहर थे, और आज क्या है, हम जैसे बाहर है वैसे मस्जिद में, बाहर गाफिल तो अल्लाह के घर में भी गाफिल है, अल्लाह के घर में बैठे मगर गफलत से बैठे हुए, बाहर गिबत नहीं छूटती तो अल्लाह के घर में भी गिबत नहीं छूटती जी, बाहर हसद नहीं छूटता तो अल्लाह के घर में भी हसद नहीं छूटता, बाहर भी धोखा देना नहीं छूटता तो अल्लाह के घर में भी यार उसको बैठा है उसको कैसे जी, वहां पर भी धोखा देंगे जी। यहां तक दिल मुर्दा हो जाता है, यहां तक दिल मुर्दा हो जाता है कि एक मर्तबा इसी मुल्क का वाक्य बयान करता हूं, इसी मुल्क का जी जी, कि आदमी जनाजे में है, जनाजे में। अब जनाजा तो कैसे है जी, कि आदमी तसव्वुर करे कि भाई एक दिन ऐसे भी मुझे भी लिया जाएगा जी, और आगे की मंजिल मुझे मालूम नहीं, ये तो कोई बेचारा कहेंगे फर्ज के किफाया है, चलो कुछ अदा कर दे तो हम तो नहीं जाते हैं। बास लोग कहेंगे भाई एक किरात काफी है, दूसरे के लिए जरूरी नहीं है, तो बास लोग एक किरात पे चले जाएंगे, और बास लोग दो किरात पे करेंगे मगर बहुत सर्दी है चलो जल्दी भागो, वो दो चार रह जाते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर जी जनाजे के अंदर में, जनाजे में हाँ, दो आदमी बात कर रहे हैं,
चला सर जा रहा है, बात करें कि भाई आपके वहां ये बैरियल कॉस्ट कितना होता है, बैरियल कॉस्ट कितना होता है? तो उस आदमी ने कहा इतना। तो कि अच्छा, तो ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए, मुझे तजुर्बा भी है और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी है कि इतने में हो सकता है, आपको जिम्मेदारी लिए हमारा आधा 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 आधा, यानी जनाजे में जा रहा है और वहां जनाजे में बिजनेस है, जनाजे में बिजनेस, यानी जनाजे के अंदर में भी अगर दिल जिंदा नहीं होता, कब्रिस्तान में भी दिल जिंदा नहीं होता जी, लोगों के जी मैयत के ऐलान सुनने के बाद दिल जिंदा नहीं होता तो कहां दिल जिंदा होगा। तो मैं ये कर रहा था कि अगर हम बाहर ऐसे हैं तो मस्जिद में भी वैसे है, फिर कहते हैं अल्लाह के घर में फायदा नहीं होता। इसीलिए यानी अल्लाह के घर के अंदर में यकशी से बैठना, अल्लाह के घर में ज्यादा बैठना, अल्लाह के घर के अंदर में, ताकि हम अल्लाह के घर में रहते हुए अल्लाह के घर के जो बरकत वो हमें मिलने लगे जी। तो दूसरी चीज जो मैं बतला रहा था कि उसके अंदर में कि जहां हम तालिब बनकर आते हैं और अब पिछले मरतबा से लेकर अभी तक मामूलात, और मामूलात में फराइज, मामलात के फराइज अखलाक में भी, मुआशरत में भी जी। हाँ, हमारे अखलाक जो है हमारे घर वालों को दीन की मोहब्बत दिलाए, हमारी बीवी हमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे कि नहीं दीन आया तो अब कुछ माशाल्लाह इंसान बना है, दीन आया तो अब कुछ नरमी आई, दीन आया तो कुछ तवाजु आया, दीन आया तो कुछ खिदमत आई जी, दीन आया कुछ खिदमत आई, वरना पहले तो माशाल्लाह जी। बकौल हमारे एक साथी के बीवी कुछ कहे थे कि महर दिया है, समझे, कह रहे मार दिया है, बस यही जुमला। बल्कि हम तो ये सोचे कि अगर हम उनकी जगह होते और जितनी जिम्मेदारी वो पूरी करती, वो जिम्मेदारी का मेरे सर पे आती, मैं क्या करता? तो फिर तो एहसान, मोहब्बत, खूबिया, दिल से दुआ, उनमें हाथ बटाना, ये सारी चीज, और यही चीज फिर औलाद भी देखती है जी। तो मामलात में भी फराइज है, मुआशरत में भी फराइज है, अखलाक में भी फराइज है जी। तो ये जितने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो फराइज और वाजिबात के दर्जे में है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी। तो पिछली मर्तबा से अभी तक इन चीजों में हम कहां हैं? अगर कहीं आगे तरक्की कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र, और आगे आगे पहुंचना है उसकी तलब, एक। दूसरी चीज जो मामूलात है जी, ये मामूलात बहुत जरूरी है, मामूलात ये बहुत जरूरी है, ये हमारी रूहानी गिजा है। मगर ये मामूलात जो है वो सिर्फ रस्मी न हो जी। 24 घंटे में से, 24 घंटे में से ज्यादा में ज्यादा में ज्यादा 1 घंटे की जरूरत होती है। 24 घंटे में से 1 घंटा जिस दिल में अल्लाह को बसाना है, जिस अल्लाह की जियारत करनी है, जिस अल्लाह को अपना बनाना है और हमें अल्लाह का बनना है, उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं हमारे पास, 24 घंटे में 1 घंटा नहीं जी। और वो बिल्कुल सबसे कटकर, सबसे हटकर जी, और दिल को तमाम गैरुल्लाह से पाक रखने की कोशिश करें और फिर मामूलात पूरे करें जी। और मामूलात के अंदर में अगर, चलो पहले आदत नहीं थी जी कि भाई सुबह शाम की 3 तस्बीहात की आदत नहीं थी, तो कम से कम 3 तस्बीह कर ले बस, मगर बिल्कुल उसमें तरक्की हो जी। फिर आहिस्ता 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 2-3 महीने के बाद सुबह शाम की कर ले जी। हमें मामूलात को रूटीन नहीं बनाना है जी, मामूलात को वो बनाना है कि वो मामूलात की हकीकत आए, उसकी तासीर आए, और वो मामूलात जो हमारी जिंदगी में ऐसा जुज बन जाए कि उसको हम कभी छोड़ने वाले ना बने जी। तो जहां तस्बीहात है, जहां तिलावत है, अब कोई आदमी के कहने भाई रोजाना एक पारा तिलावत करना, बहुत अच्छी बात गैर हाफिज, मगर वो तिलावत उसके ऊपर लानत करती हो, अल्लाह का कलाम लानत करता हो, और कि मैं तो एक पारा पढ़ता हूं जी, तो मैं एक पारा मत पढ़ो जी, 2 रकू पढ़ो, सही पढ़ो, ये 2 रकू सही कर लो जी, 2 रकू सही कर लो, चलो 2-2 रकू सही करते हुए अगर महीने में एक पारा हो गया और पूरे साल में 12 पारे सही हो गए, और 2 साल में या 3 साल में अल्लाह का कलाम सही हो गया, वो बेहतर है या पूरी जिंदगी अल्लाह का कलाम गलत पढ़ते रहे और उनके मामलात पूरे कर रहे हैं?
सबका कलाम हम सुनना, पढ़ना, लिखना, जवाब देना सब हम जान गए, मगर अल्लाह का कलाम, रब्बुल आलमीन का कलाम हम पढ़ नहीं सकते। तो तिलावत के अंदर में भी पूरा पारा मकसूद नहीं है। अगर हमारा यानी अल्लाह का कलाम पढ़ना उस दर्जे का सही है जी, उलमा की खिदमत में पूछ ले, और कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है जी, हम सब सीखने वाले हैं और मौत तक सीखने वाले हैं, कोई ऐब नहीं है। सच्ची नदामत हो जी कि अगर हमारी कमजोरी है, नदामत हो, अल्लाह पिछले माफ कर देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी मुकद्दर नहीं है तो अल्लाह ताला सीखने वालों में शुमार फरमा देंगे जी। तो अल्लाह का कलाम सही पढ़ना सीखे जी। हाँ, इसी तरीके से अध्याय माथूरा जी, जिक्र का क्या मतलब कि सिर्फ तस्बीह पढ़ ली काफी हो गए? नहीं, बल्कि हर मौके की जो दुआ है उन दुआओं को सीखना और उसको पढ़ना, ताकि उस मौके पे जो अमल कर रहे हैं उसमें हमें गफलत से बचाए। कुल्लु मुतइन दाकिरून, जिस मौके का जो अमल है वो अमल जो है हमारे लिए आदत न बने, इबादत बने, और उस अमल के अंदर में जो उस मौके की दुआ है उन दुआओं की बरकत हमें मिले। दुआ माथूरा जी। अब बहुत सारे बेचारे कहते हैं ओ मेरे बच्चे के पास तो चाट है, उसको 100 दुआएं आती है, मगर बड़े होने के बाद कितनी पढ़ते हम लोग? ये दुआ जो है वो इम्तिहान के बच्चों को सिखाने के लिए या उसके लिए नहीं है, ये दुआ तो क्या है, अल्लाह से करीब करने के लिए और हमारी हिफाजत के लिए और हमारे अमल में बरकत के लिए है। तो दुआएं माथूरा का एहतमाम सीखे, हफ्ते की एक दुआ सीखे जी, महीने में 4 दुआएं सीखे जी। हाँ, अध्याय माथूरा हफ्ते में सीखे इस तरीके से। इसी तरीके से क्या है कि भाई हम कम से कम अमल करने के बजाय अमल बनाने वाले बने। 2 रकात तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक। अब हो सकता है कि भाई ये 2 रकात बनाने में 2-3 हफ्ते लग जाए जी। हमने नमाज शुरू की, अब 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 2 मिनट भी नहीं हुई जी, और बस कहां कहां पहुंच गए जी। कहां कहां? मौलाना सुलेमान जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई हम यहां हैं मगर वीजे बगैर वीजा के कितने मुल्कों में चले जाते हैं, ना टिकट लेने की जरूरत जी और ना फ्लाइट लेने की जरूरत, बैठे यहां पर है और जनाब कोई चाइना पहुंचा है और कोई कोरिया पहुंचा हुआ है, जैसे जैसे बिजनेस माइंड तो कोई कहां कहां बैठा होगा जी। अब अल्लाह के घर में है मगर जहन तो गाफिल जी, इसलिए 2 रकात पढ़े कि जैसे हम तो अल्लाह के सामने करे तो बिल्कुल ध्यान, अगर ध्यान नहीं है तो समझ लो कि रकू तक की हमारी नमाज सही नहीं है, मश्क करे। हो सकता है 2-3 दिन के बाद रकू तक सही हो जाए, फिर रकू के नमाज सही हो जाए, हो सकता है 3-4 हफ्ते में 1 रकात सही हो जाए, फिर 2 रकात सही हो जाए जी। नमाज और अमल को बनाने वाले बने, मामूलात को बनाना, मामूलात को बनाना जी। तो इसी तरीके से तस्बीहात को बनाना, और एक चीज जो है दुआ जी, जो अध्याय माथूरा पर दुआ मांगना, दुआ मांगना और तन्हाई में मांगना जी, ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, मगर आज दुआओं का एहतमाम नहीं रहा जी। कम से कम तन्हाई में तो अल्लाह के सामने रोए, तन्हाई में जी, रोजाना कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के सामने रोना हो जी, रोजाना जी, तो दुआ का बनाना। ये जितने मामूलात है उन मामूलात को सही करना शक्ल के एतबार से, फिर उसकी रूह भी सही है, मतलब उसमें रूह भी आती चली जाए, और तीसरी चीज उन मामूलात को कबूल कराना, अमलों को कबूल कराना जी, चाहे हुकूकुल्लाह में हो या हुकूकुल इबाद में हो, जो भी हमने काम किया शरी हुदूद में करना और उसको अल्लाह से कबूल कराना जी, अल्लाह से कबूल कराना, और अल्लाह से कबूल कराने के बाद कोई बदला नहीं चाहना, किसी से कोई बदला नहीं चाहना, ना नाम का, ना शोहरत का, ना पैसे का, ना कोई बदला नहीं जी। हम हमारी नेकी बेचने के लिए नहीं है जी, हम हमारी वालिदैन की खिदमत बेचने के लिए नहीं है जी, कोई बदला नहीं चाहना, अमल करना, सही करना, उसकी रूह हासिल करना,
उसको अल्लाह से कबूल कराना, कबूल कराने की फिक्र करना जी। और ये मामूलात के अंदर में जी, अब हम मामूलात पे जमे। पिछली मरतबा एक वाकया बयान किया था उसके ऊपर ही जी, और उसके ऊपर तीन मिसालें दी थी अगर आप हजरत को याद हो तो जी। एक मिसाल कि भाई एक अल्लाह वाले थे और वो मामूलात के माशाल्लाह पाबंद थे, जाहिर बात अल्लाह वाले होंगे तो फिर क्या। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे और बहुत सारे वहां पर बैठे हुए होंगे, तो उनकी मजलिस के अंदर में कभी शोर नहीं होता था, कभी भी नहीं, बहुत खामोश जी। अल्लाह का घर का अदब जी, और जिस तलब के लिए आए हैं तो वहां पर उसकी आजमत की वजह से भी सारी चीज अदब अदब थी। तो उस दिन वहां शोर होने लगा, तो जो गुस्सा जो खादिम होता है ना खादिम, उसको बहुत गुस्सा आया जी, खादिम को बहुत गुस्सा आया। इसलिए कहते हैं ना कि बाज मरतबा चाय से केटल ज्यादा गर्म होती है, चाय से ज्यादा केटल गर्म होती है हाँ। और पांच जगह पर बात महफूज नहीं होती है, पांच जगह पर बात महफूज नहीं होती है कि वहां आपने बात की अब आपका उस बात का खतरा, या तो वो बात आगे पहुंचेगी तो फितना लाएगी, या इफ्शा लाएगी, या वो बात मालूम नहीं क्या क्या लाएगी जी। पांच जगह पर, कौन सी पांच जगह? सबसे पहले नाइकी दुकान, बाबर, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, कौन सफर कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है, किसके वहां शादी हुई, कौन क्या हुआ, कौन किनके पैसे खा गया, कौन क्या क्या, मतलब कि पूरी दुनिया की गीबत सुननी हो और पूरी दुनिया के सारा सुनना तो बाबर के वहां को मिल जाएगा है? तो वहां की बात महफूज नहीं रहेगी, वहां की बात महफूज नहीं रहेगी जी। और दूसरी चीज, दूसरी आपकी बात क्या महफूज, बीवी के पास औरतों के मुंह में बात नहीं रहती हाँ, औरतों के मुंह में बात नहीं रहती हाँ, चाहे आप जितना भी कहो कहीं ना कहीं वो बात निकाल ही देती है जी हाँ। और तीसरे बच्चों के सामने हाँ, कि बच्चों के सामने आपने कोई बात की तो जनाब वो बात मालूम नहीं स्कूल में भी पहुंच जाएगी और मालूम नहीं बाहर भी पहुंच जाएगी और मालूम नहीं कहां पहुंच जाएगी, और बच्चों की बात, और वही आपके लिए एविडेंस बन जाती है बच्चों की बात हाँ। और चौथी जो पर्सनल ड्राइवर होते हैं ना, कोई आदमी सफर करता है कोई पर्सनल ड्राइवर, चलो भाई इस आदमी की गाड़ी में, अब पूरे रास्ते में माशाल्लाह हम जो बात करते हैं जी, तो वो माशाल्लाह सारा सुनता है तो हाँ फला हजरत के साथ सफर हुआ तो फला के बारे में यूं कह देते, फला के बारे में यूं कह देते, फला के बारे में यूं कह देते, पर्सनल ड्राइवर भी माशाल्लाह ये होता है। और पांचवा बुजुर्ग का खादिम, वो सबसे खतरे में जी हाँ। ओ, तो वो जो खादिम था बेचारा, उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है जी, तो हजरत समझ गए क्यों नहीं, तो पैर ऐसा था तो यूं कर लिया, बुलाया तो क्या भाई इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, देखिए जी देखिए इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं, ये जितने शोर कर रहे हैं जिनके बाद इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है कि रात को मैं मामूलात पूरा करता हूं, कल रात को पैर में थोड़ी तकलीफ थी तो थोड़े से मामूलात रह गए थे, उस मामूलात की कमी का असर है, तो थोड़े से मामूलात की कमी का असर इतना बड़ा, तो जो मामूला जिंदगी में ना हो, या जो मामूलात इस्तिकामत में ना हो, या जो मामूलात शक्ल में भी ना हो रूह में भी ना हो, तो फिर क्या असर होगा है? इन आज हम कह रहे हमें तो फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है जी, दवाई भी कर रहे हैं परहेज ही नहीं कर रहे, दवाई भी पूरी नहीं पी रहे, कभी कभी पी रहे और क्या क्या फायदा नहीं हो रहा है जी, कि भाई दवाई जैसे पीनी वैसे पी, जैसे परहेज कर वैसे परहेज करे, तो अल्लाह ताला असबाब है, अल्लाह ताला शिफा दे देंगे है कि नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई हम मामूलात के अंदर में उसकी फिक्र करें, उसको कबूल कराएं, और साथ साथ के अंदर में कि जिस तरीके से जी पिछली मरतबा बतलाया था जी, कि जो मकसूद है जी, वो मकसूद ये है कि भाई हम अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करें, और उसको दूर करने के लिए हमारे पास कितना वक्त है किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं जी। अच्छे अच्छे जवानी की उम्र में चले जाते हैं,
बगैर बीमारी के चले जाते हैं। मौत जो है वो बीमारी का भी मोहताज नहीं, उम्र का भी मोहताज नहीं, मकान का भी मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं। जहां अल्लाह का हुक्म आ जाते वो आ जाते हैं जी। तो अब ये कमजोरियां जल्दी से दूर हो तो उसके बारे में क्या है? उसके बारे में क्या जी? तो उसके बारे के अंदर में जी तीन चीजें हैं जो इस मर्तबा का इजाफा है जी। जो मामूलात वगैरह पूरे करते हैं उनके साथ अगर हम तीन चीजों का इजाफा कर लें जी। नंबर एक, कम से कम जी अगर हम 15-20 मिनट निकाल सके और 15-20 मिनट के अंदर इसको तकसीम कर ले आला दर्जा, 10 मिनट जो है और रोजाना मुराकबे मौत करो, मुराकबे मौत है कि अगर मैं भी मेरी रूह होगी, कफन पहनाया जाएगा, गुसल दिया जाएगा, ऐसे कब्र में लिया जाएगा, कब्र ऐसे होगी, कब्र में यही हालात आएंगे, कब्र के अंदर में ऐसे ऐसे मसाइल आएंगे, कब्र ऐसे ऐसे मसाइल हो सकते हैं, पूरा मुराकबा मौत कि अभी रूह चली गई उस वक्त से लेकर आगे के मंजिल में मेरा क्या होने वाला है जी। जितना मुराकबा मौत हम करते रहेंगे इतना हमारा दिल रकीक होगा और जितना दिल रकीक होगा इतने ही हमारे दिलों के ऊपर हर चीज असर करेगी कि अभी मौत आ गई तो, अभी मौत आ गई तो जी। हाँ, एक तो ये, और दूसरा जो है 10 मिनट ये है कि अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, हर काम के अंदर में जी कि अल्लाह नहीं देख रहे हैं जी। मैं दुकान पे हूं, अल्लाह देख रहे हैं जी। अब अल्लाह देख रहे हैं तो झूठ नहीं बोल सकता, बदनिगाही नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। यहां पर जी अहकामात को चलो वहां मस्जिद में तो 20 मिनट में हुआ और यहां पर 2 मिनट में भी नाम का नहीं। हर जगह पर कि अल्लाह मुझे देख रहे, अल्लाह मुझे देख रहे, अल्लाह मुझे देख रहे जी। जितना इसका इस्तिसार होगा तो इंशाल्लाह इतनी कमियां आसानी से दूर होगी, बल्कि जल्दी दूर होगी, बहुत जल्दी। और अगर खुदा ना खास्ता दूर नहीं हुई और हमारी सच्ची तलब है, सच्ची नदामत है, तो अल्लाह ताला यानी फजल का मामला फरमा देंगे जी। जैसे वो हदीस में आता है ना जी कि भाई एक आदमी, उसने 99 आदमी को कत्ल किया था, 99 आदमी को कत्ल किया था जी। और जब 99 आदमी को कत्ल किया तो उसके दिल में बात आई कि मैंने तो बुरा किया है, मैंने तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं की, ये तो मैंने बुरा किया जी। मगर ये है कि अभी बुरा किया तो उसके इलाज किया, तौबा करनी चाहिए, तो तौबा के रास्ते से चला। रास्ते में पूछा किसी को कि भाई मैंने तो ऐसे किया, तो जैसे मानो मशहूर मकुला है ना, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान जी। तो इस तरीके से किसी को पूछा तो उसने कहा अच्छा 99 आदमी को, नहीं 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 कोई इलाज नहीं, एक आदमी को कत्ल करना इतना बुरा तो सेंचुरी पर 99 पे, तो उसने उसको भी उड़ा दिया है? गया था नेकी के काम करने के लिए, नेकी के काम करने के लिए उसको भी उड़ा दिया है? उसको भी उड़ा दिया, मगर दिल के अंदर में सच्चा इरादा था, वो आगे चला और कहा कि ऐसे तो क्या भाई, फना करीब में नेक लोगों की बस्ती है, अब चले जाओ। अब वहां चलने का इरादा ही किया और सच्चा इरादा किया, मगर मुकद्दर की घड़ी ने साथ नहीं दिया और मौत आ गई है, मौत आ गई। अब आए दोनों फरिश्ते, एक एक भाई इसने तो 100 पूरे कर लिए है, 100 को कत्ल किया है, देखिए नहीं नहीं ये तो तौबा के रास्ते से, देखिए चलो जमीन नापो कि वो बस्ती के करीब है या उससे दूर है। अगर नेक लोगों के बस्ती के करीब है तो फिर उन लोगों में, और दूर है तो जी तो उलमा फरमाते कि भाई एक बारिश है थोड़ा हिस्सा कुछ उनके करीब था, तो अल्लाह का फजल तो ये है कि नहीं। तो अगर हम अल्लाह के खौफ से चलते रहेंगे जी और मुराकबे मौत से चलते रहेंगे, और तीसरी चीज सोते वक्त जी अल्लाह मुबारक ली फिल मौत फीमा बाद अल मौत 25 मरतबा पढ़ते रहेंगे, तो अल्लाह के इजाज़ से उम्मीद है कि रोजाना सुबह में जिंदगी जो मुकद्दर की होगी बहुत सारी कमजोरी से बचना आसान, हमारा दिल भी रकीक होगा, अमलों का असर भी होगा, दिलों के अंदर से वहशत भी खत्म होगी और दिलों के अंदर में नूर भी आएगा, फिर ये दिल आहिस्ता आहिस्ता खैर का मरकज बनेगा और शर और बीमारी खत्म होगी जी, वरना सारी रसूमात होगी जी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए जी, और इसी तरीके से
दूसरी बात यह है, कभी भी किसी को हकीर मत समझना, किसी को, किसी भी नमाजी को हकीर मत समझना, बगैर दाढ़ी वाले को हकीर मत समझना, किसी शराबी को हकीर मत समझना, किसी को भी हकीर मत समझना। बल्कि हमारे तो उलमा यहां तक फरमाते हैं कि काफिर को भी हकीर मत समझो, कि हो सकता है कि मौत से पहले वो ईमान के साथ चला जाए, मौत से पहले ईमान के साथ चला जाए। इसी ब्राडफोर्ड का एक वाकया है जी, वो एक नौजवान है बेचारा, दीनदार है जी, वो हॉस्पिटल में काम करता है। यहां सिर्फ ये बतलाना मकसूद है कि अल्लाह की देन देखो, अल्लाह की देन देखो जी। तो यहां वो हॉस्पिटल में काम करता है मेल नर्स की तरह। तो एक अंग्रेज था 55 साल का ऐसे कुछ जी, और बड़ा खुशहाल मालदार और कुछ पढ़ा लिखा जी। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि मुझे अपना रिलीजन चेंज करना है, मुझे मुसलमान होना है, मुझे मुसलमान होना है। तो वो बेचारा थोड़ा आगे पीछे होता रहा कि ऐसा ना हो कि लोग ये समझ के हॉस्पिटल में ये लोगों को जी वहां मुसलमान बना रहा है। तो अपने जॉब की सेफ्टी के लिए आगे पीछे होता रहा। जब आगे पीछे होता रहा तो फिर उस आदमी ने क्या किया कि दूसरी जो नर्सें थी गैर मुस्लिम, उनको बुलाया और उनको बुलाकर कहा हैं, उनको बुलाकर कहा भाई मैं आपके कॉलीग्स को कह रहा हूं कि भाई मुझे रिलीजन चेंज करना है और ये तो कुछ नहीं कर रहा। तो फिर उनके कॉलीग्स ने कहा कि अच्छा भाई ऐसी बात है तो मैं कर दूं उनको जी। तो अब उसने सोचा चल अब तो गवाह तो मिल गए इतने सारे, तो अपना काम कर लूं। तो उसने पूछा क्या करूं मौलवी साहब जी। तो क्या भाई हमने कलमा पढ़ा दो, बाकी की बात बाद में देखेंगे, दो चार दिन के बाद उसे तफसील से समझा दो जी। उस बेचारे ने कलमा पढ़ा दिया और जो कभी इस मौके के ऊपर थोड़ा बहुत बताना था बतला दिया। दूसरे दिन उसकी ऑफ थी जी, छुट्टी थी, वो गया। तीसरे दिन जब गया वार्ड में वो है ही नहीं, तो उसने पूछा उसकी छुट्टी हो गई, तो क्या नहीं, तो कि किसी और वार्ड में, तो क्या नहीं, तो क्या कहा, तो कि जब तू गया उसके 1 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया, ये अल्लाह की देन है। 1 घंटे में ईमान लेकर चला गया, 1 घंटे में ईमान लेकर चला गया जी। अल्लाह देने पर आए तो जिंदगी भर के कुफर करने वाले को ईमान दे दे, और अल्लाह लेने पर आए तो मुसलमान के घर पे पैदा हो इस्लाम ले ले। किसी को हकीर न समझे, किसी को हकीर न समझे, बहुत डर है, किसी को भी हकीर न समझे, किसी को भी नहीं जी। हाँ, किसी का जाहिर जो है हमें अपनी थोड़ी बहुत नेकी की वजह से धोखे में डालकर उनकी हकारत न डाले, किसी को भी नमाजी न समझे है? किसी को भी न समझे ना भाई, अगर अल्लाह की तौफीक हमें ना होती तो हम भी ना आते, हम अल्लाह के घर में अपने कुवत से आ रहे हैं, हम तो अल्लाह की तौफीक से आ रहे हैं जी। अल्लाह की तौफीक है इसलिए कुछ कर रहे हैं, वरना बाज मरतबा अल्लाह ताला बतलाना चाहते हैं कि अच्छा तुम फला नेकी का काम कर रहे, तो तौफीक सब कर लेते हैं, महीनों तक हो जाते हो तो अमल की तौफीक नहीं मिलती, महीने हो जाते हैं जी, महीने हो जाते हैं। देखिए यार 2-3 महीने से अमल नहीं हो रहा है, 2-3 महीने से, देखिए पहले, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में तो कभी भी नहीं छूटा, तो भाई 1 साल में नहीं छूटा, अभी क्यों छूट रहा है, अभी क्यों छूट रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी को हकीर न समझे, किसी को भी हकीर न समझे जी। और इब्तिदा के अंदर में पहली मजलिस में एक बात कही थी, उस मजलिस को दोबारा लौटा लेता हूं कि जो गुस्सा है, गुस्सा जी, गुस्सा इंसान का आना फितरी चीज है, गुस्सा आता है। अगर गुस्से के बाद पर गुस्सा ना आए तो इंसान कहां हो सकता है, गुस्सा तो आता है। मगर गुस्से के अंदर में बतला दी क्या करना चाहिए, वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्सा पीना सीखो, है ना जी। अगर गुस्सा पीना हम नहीं सीखते तो फिर उस सूरत के अंदर में 3 कीमती चीजें हमारी जाय हो जाती है, 3 कीमती चीजें जाय हो जाती है। अगर गुस्सा आया और उस गुस्से को हम पीना, काबू करना, सब्र करना नहीं सीखे तो सबसे पहली चीज अकल चली जाती है, अकल चली जाती है जी। और जब अकल चली गई तो फिर अखलाक भी चले गए, वो बद अखलाकी पे आ जाता है, किसके साथ बोल रहा है, कि कहां बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ भी नहीं, बद अखलाक पे। फिर चाहे वो वालिद हो, चाहे फिर उस्ताद हो, चाहे फिर कोई बड़े हो, कोई गुनहगार हो, जो इतना जोश में है कि उसको मालूम नहीं कि मेरे 5 मिनट के बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, गुस्सा है जी,
اخلاق چلے گئے, اخلاق. اور تیسری چیز احترام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے غصہ اگر ہم قابو کرتے ہیں تو عقل کی بھی حفاظت ہے جی, اخلاق کی بھی حفاظت ہے اور احترام بھی ہے جی. یہ بہت ضروری ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے رہنے والوں کے ساتھ, اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ غصہ پینا سیکھو, غصہ پینا سیکھو جی. تو یہ چند چیزیں تھی. اللہ تعالی جتنی خیر جی مطلوب اور مقصود ہے جی, اللہ تعالی ہمیں عافیت سے نصیب فرمائے, اور ان خیر کے اندر میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالی عافیت سے ان رکاوٹوں کو دور کر دے. اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جی جہاں جہاں جو احساس کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں احساس پیدا فرما دے, اور خیر کے اندر میں ترقی اور طلب کے لیے جی جتنی سچی طلب ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سچی طلب پیدا فرما دے جی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے آگے بھی بتلا چکے ہیں کہ بھائی کچھ یہاں پر مجبوری ہے, اس لیے ہر مہینے ہر دو مہینے ہم جمع نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جب مدرسہ چلتا ہے سیف گارڈنگ کا ہے فلاں فلاں ہے, اس لیے موقع در موقع دیکھ لیتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی جی انشاءاللہ جو بھی کوئی موقع ہوگا, جن جن شہر میں جانا ہوگا تو ان سے اگر وہاں پر رہنا ہوتا ہے دو چار گھنٹے کے لیے تو ضرور مل لیں گے. مگر یہ کہ اجتماعی طور پر فی الحال یعنی یہ ترتیب تھوڑی کم رہے گی, اس لیے کہ یہ مدرسہ ہے, چھوٹے بچے بھی ابھی چھٹی ہے اس لیے رکھا ہے جی, سیف گارڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے, ورنہ یہ ہے. مگر اس کے علاوہ بھی جو بھی ربط ہوتا ہے قلبی ربط ہونا چاہیے جی, جتنا قلبی ربط ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جی, قلبی ربط ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جتنے قلبی ربط کے ساتھ آگے کی خیر خواہی کے اندر میں جو جو راہیں اختیار کرنی ہیں اپنے نفس سے بچنے کے لیے جی, ان راہوں کے اندر میں سچی طلب کے ساتھ شرعی حدود میں طالب بن کر موقع محل پر جی ہم رہنمائی حاصل کریں جی. جو رہنمائی کرنے والا وہ مستغنی نہیں ہے, وہ تو محتاج ہے, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی دوسروں کے ذریعے سے میری آخرت بنے, اور دوسروں کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے, اور دوسرے کے ذریعے سے مجھے اللہ مل جائے. تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی رہنمائی کرنے والا ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے, پر رہنمائی کرنے والا ہی اتنا محتاج ہے کہ دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دے جی. تو اس کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم غفلت کر لیتے ہیں جی, کہ ایک کام کرتے ہیں اور 10 کام ہم اپنے آزادی کا کرتے ہیں, پھر اس سے ہماری تربیت نہیں ہوتی, تربیت نہیں ہوتی, تربیت چلتی ہے, اور پھر جب تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس وقت کے اندر میں بہت سارے خیر کے کام ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں, اور بہت ساری جو بیماری ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے پھر جو جو آگے ہماری ترقی کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر میں انقلاب لانا جی, وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفینا احمنا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اور تمام امت مسلمہ کے تمام گناہ کو معاف فرما, پوری دنیا کے اندر میں تمام مسلمانوں کی ایمان کی مال کی جان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما, پوری انسانیت کے لیے یا ارحم الراحمین ہدایت کے فیصلے فرما, پوری انسانیت دنیا آخرت کی ناکامی سے بچا, یا ارحم الراحمین ذریع کے طور پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما. تقویٰ, توکل, تواضع, عاجزی اور جتنے بھی صفات آپ کے وہاں محبوب اور مقبول ہے وہ صفات عافیت سے ہمیں نصیب فرما. جن جن بیماری اور کمزوری سے آپ ناراض ہوتے ہیں وہ تمام بیماری اور کمزوری عافیت سے ہم سے دور فرما دے, ہماری اولادوں سے دور فرما دے, امت مسلمہ سے دور فرما دے, اور پوری انسانی سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, آپ کا کلام پاک ہے, آپ کا دین پاک ہے, اور آپ کے نبی کے طریقے پاک ہے, مگر یا ارحم الراحمین ہماری زبان اور آنکھ اور کان اور ناپاک سارے ناپاک بن چکے ہیں, تو ہی اپنے فضل سے ان کو پاک فرما دے, اور اپنے ہی فضل سے ان کو باپ پاک فرما کر ہمیشہ کے لیے یا ارحم الراحمین تمام ناپاک ناپاکی سے بچنے کے فیصلے فرما دے. یا ارحم الراحمین احکامات کی پابندی نصیب فرما, اپنا دھیان نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. یا ارحم الراحمین موت سے پہلے پہلے عافیت سے ہماری اصلاح فرما, موت سے پہلے پہلے تو ہمارا بن جا اور تو ہمیں اپنا بنا لے. یا ارحم الراحمین, دنیا کے اندر میں ہم دھوکے کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا کا نشہ ہے, حب جاہ کا نشہ ہے, غفلت کا نشہ ہے, معلوم نہیں یا ارحم الراحمین کتنے نشے ہیں,
उन नशों से हम नहीं बच सकते सिवाय आपके फजल के, सिवाय आपकी तौफीक के, सिवाय आपकी मदद के। या अरहमर राहिमीन, तमाम नशों से निकाल कर सिर्फ एक ही नशा हमारे अंदर में आ जाए कि वो आप हमें मिल जाए और हम आपके हो जाए, वो सच्ची तलब पैदा फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, सही दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमा, सही दीन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, सही दीन को पूरे आलम में फैलाने की तौफीक नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, ऐसा ना हो कि हम नफ्स के दीन पे चलते हो और हालात के दीन पे चलते हो और मखलूक के मखलूक के असर से चलते हो। या रहमर राहिमीन, ऐसे तमाम कमजोरी से हमारी हिफाजत फरमा, मुकर्रर वक्त पर ईमान के पर खात्मा नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, दुनिया से जाने के वक्त हो तो आप खुश हो और या रहमर राहिमीन आपकी रजामंदी का परवाना मिल रहा हो और फरिश्ते हमारी रूह लेने के लिए रश करते हो, ऐसी हमारी पाक जिंदगी बना दे। या रहमर राहिमीन, दुनिया से हम जा रहे हो तो आसमान रो रहा हो, जमीन रो रहे हो और सब रो रहे हो, और या रहमर राहिमीन आपके फजल से और आपके करम से हम हंसते हुए आपकी मुलाकात के लिए जा रहे हो, ऐसी मौत हमें नसीब फरमा दे, तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा दे, तेरे मकबूल बंदों की वाली मौत नसीब फरमा दे। या रहमर राहिमीन, पूरे आलम के अंदर में खैर को आम फरमा, शर को ख़त्म फरमा, हक को आम फरमा, बातिल को ख़त्म फरमा। या रहमर राहिमीन, यहाँ जितने भी हजरात बैठे हुए, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, बीमार भी है, सेहतमंद भी है, उलमा भी है, या रहमर राहिमीन उन सब की बरकत से हमें या रहमर राहिमीन तेरी रजा नसीब फरमा दे और उनके जायज मुरादों को पूरा फरमा दे और उनको उनके नस्लों को भी कबूल फरमा ले, उनके बच्चे बच्चों को भी कबूल फरमा ले, उनके घर के बड़े छोटों को भी कबूल फरमा ले, उनकी जाहिरी बातिनी तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। अगर या रहमर राहिमीन जितने भी बीमारियाँ हैं उनसे शिफाए आजिला कामिला मुस्तमिला नसीब फरमा दे। या रहमर राहिमीन, ज़रूरियाती ज़िंदगी के अंदर में हलाल असबाब मुकद्दर फरमा, हराम से बचने की तौफीक नसीब फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम से बचने की तौफीक नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, जो भी मकरूज़ है उनकी भी पूरी पूरी मदद फरमा, जो भी मजलूम है उनकी भी पूरी पूरी मदद फरमा। या रहमर राहिमीन, हासिदीन की हसद से, शरीर की शरारत से, फितिन के फितने से हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, जितने भी दीनी किले है, मराकिस है, मदारिस है, मकातिब है, खानका है और जितने भी रिफाए आम के काम हो रहे हैं सबको शरी हदूद में और सबको या रहमर राहिमीन वो सिफात के साथ जो सिफात आपके वहाँ मकसूद है उसे मुजीन फरमा दे और उसके ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमा दे। और या रहमर राहिमीन, उन तमाम किलों के अंदर से भी हिफाजत फरमा, बाहर से भी हिफाजत फरमा और क़यामत तक इन किलों को कायम और दायम फरमा और ज़रिए के तौर पर हमें कबूल फरमा। या रहमर राहिमीन, तेरी भी तमाम नेमतों को तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, जितने भी जायज मुरादे हैं आप आलिम और हकीम और खबीर है उसके अंदर में फजल का, करम का और दारिन के आफिर का मामला फरमा। या रहमर राहिमीन, जिनकी औलाद जो है या रहमर राहिमीन रिश्ते की उम्र को पहुंच चुकी है उनको नेक साल रिश्ता नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, जिनकी औलाद बाहर के माहौल के शिकार हो गई है और बाहर के माहौल से हम नहीं बच सकते और हम नहीं बचा सकते, या रहमर, हमारी भी और हमारी औलादों की भी बाहर के माहौल से हिफाजत फरमा, गफलत के माहौल से हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, गुनाहों के समुंदर से हमारी हिफाजत फरमा, नफसानियत के समुंदर से हमारी हिफाजत फरमा, हैवानियत के समुंदर से हमारी हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, हमने तो यही देखा कि उम्मत का हर तबका या रहमर राहिमीन बाहर गुनाहों के समुंदर के सैलाब के अंदर में डूब रहा है मगर कोई नहीं बचा सकता। आप या रहमर राहिमीन हमें बचा ले और हमें भी बचा ले और पूरी उम्मत में मुस्लिमा को भी बचा ले। या रहमर राहिमीन, जिनके रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, मशायख हैं, मुहसिनीन हैं, अंबिया हैं, ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं और जितने भी जिसके रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा, उनको अपने शान शान बेहतरीन बदला अता फरमा। और जिनके भी या रहमर राहिमीन दुनिया के अंदर में रिश्तेदार भी मौजूद है उन सबको भी या रहमर राहिमीन ईमान की हकीकत नसीब फरमा, हुस्न खात्मे के फैसले फरमा, आपस में उल्फत नसीब फरमा, आपस में मोहब्बत नसीब फरमा, आपस में इत्तेहाद नसीब फरमा, आपस में भाईचारगी नसीब फरमा, आपस में एक दूसरे के हकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, आपस में एक दूसरे की खूबियों के सच्चे तालिब बना, आपस में हर एक की सत्तारी करने की तौफीक नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, जैसे आपने दुनिया में सत्तारी फरमाई तो मौत के वक्त भी सत्तारी फरमा और आखिरत में भी सत्तारी फरमा और यौमुल हिसाब में भी सत्तारी फरमा। या रहमर राहिमीन, अगर आपने सत्तारी और गफ्फारी का मामला नहीं फरमाया तो हमें कोई नहीं बचा सकता
और उससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि कयामत के दिन सबके सामने हम रुसवा हो। या रहमान रहीम, उस रुसवाई से हमारी भी हिफाजत फरमा, उस रुसवाई से हमारी औलादों की भी हिफाजत फरमा, उस रुसवाई से हमारी औरतों की भी हिफाजत फरमा, और उस रुसवाई से पूरी उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, हमें सही दीन सीख कर सही दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। आफियत के साथ हमारे दिलों से तमाम गैरुल्लाह को ख़त्म फरमा। हमारे दिल को या रहमान रहीम कल्बे सलीम बना दे। या रहमान रहीमीन, आज तक जितनी भी थोड़ी बहुत नेकियाँ हुई है अपने फजल से हुई है, उसको कबूल फरमा ले, और आइंदा हमें नेकियों से महरूम न फरमा, सुन्नतों से महरूम न फरमा, अहकामात की हकीकत से हमें महरूम न फरमा, ताआस से हमें महरूम न फरमा, मासीत से हर वक्त हमें बचा ले, मासीत से हर वक्त हमें बचा ले, तन्हाई में भी बचा ले, सफ़र में भी बचा ले। या रहमान रहीमीन, हमें मामलात के अंदर में भी बचा ले, मुआशरत में भी बचा ले, तमाम मासीत से हमें बचा ले। या रहमान रहीमीन, मासीत से हमारे दिलों में इतनी नफरत हो जाए कि मासीत से बचना हमारे लिए आसान हो जाए और मासीत से दूर रहना आसान हो जाए, ऐसी मासीत की नफरत हमारे दिलों में डाल दे। या रहमान रहीमीन, गुनाह की नफरत हो मगर गुनहगार की नफरत न हो। या रहमान रहीमीन, गुनहगार की नफरत होगी तो हम हलाक हो जाएंगे। या रहमान रहीम, वो तेरे बंदे है, और या रहमान रहीमीन, तो कभी भी उनको हिदायत दे सकता है और उनको वली भी बना सकता है। या रहमान रहीमीन, हमें हमारे गुनाहों की वजह से हमें महरूम न फरमा, हमारे ईमान को कमज़ोर न फरमा, हमारे ईमान को सर न फरमा। तक्वा, तवक्कुल, तवाज़ु, आजिज़ी, अब्दियत, सारे सिफात में आफिस नसीब फरमा। या रहमान रहीमीन, तो हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पौने चार बजे इंशाल्लाह असर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह।